हेलो। हाँ जी अनिल जी, स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है, आज इसको बनाते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो ये सॉलिड मटेरियल में से बनेगा। इसका स्टॉक जो है इस तरह से रखना है, ठीक है? ब्लॉक में से, एक राउंड ब्लॉक में से। तो सबसे पहले इसकी क्या रफिंग करेंगे। रफिंग करने के लिए हम 3D का कोई ऑपरेशन ले लेंगे, ठीक है? मान लो कंटूर रफिंग ले लेते हैं हम। टारगेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। टूल ले लो सीधा, ये 32R5 का ना बोल ले लेते हैं, ठीक है? 32R5, ओके। उसको तो कॉन्स्टेंट बाउंड्री ऑटोमेटिक में हम रखेंगे, तो देखो कैसे शो हो रहा है, ये रेक्टेंगल शो कर रहा है, ठीक है? हम इसको मैनुअली पे जाएंगे, क्रिएट मैनुअली, और यहाँ पे न्यू बाउंड्री में इसकी बाहर का डायमीटर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये बाहर की कॉन्स्टेंट बाउंड्री होगी, ओके। टूल टू फीड आर पे मैं देता हूँ 2000 की फीड, 2500 RPM, ठीक है? 500 की लिंक फीड, 1 mm स्टेप डाउन, 0.5 टॉप से चलेगा, बॉटम में कहाँ 80 तक जाएगा, 80 mm इसकी डेप्थ है पूरी, ठीक है? तो हमारे पास क्या है, 32R5 का बुल है, इसलिए हम इसको थोड़ा और 5 mm एक्स्ट्रा दे देंगे, -85 कर देंगे, ठीक है? लिंक के अंदर यहाँ पे बाई डायरेक्शनल करके इसको चला सकते हैं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कट टॉलरेंस इधर से बढ़ा सकते हो आप, एडवांस ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? अभी 20 माइक्रोन के अंदर कटिंग हो रहा है, इसको ऑन करेंगे यहाँ से और इसको 0.1 तक ले जाएंगे, 0.1 दे देंगे, सेव कैलकुलेट। ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है? इसको एक बार सिमुलेट कीजिए, राइट क्लिक, सिमुलेशन, सॉलिड वेरीफाई। इसकी टॉलरेंस एक बार चेक करते हैं, एक्यूरेसी कितनी में आ रही है, 0.1 में, ओके। और यहाँ से प्ले कर देंगे, ठीक है? इसको इसकी फिनिशिंग हम HSS से करेंगे। ठीक है, ये रफिंग हो गया। फिनिशिंग के लिए हम HSM भी ले सकते हैं, HSM का हेलिकल ऑपरेशन भी ले सकते हैं, ठीक है? या फिर HSS में ले सकते हैं, इसको टिक करेंगे। मोर टू 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 बॉन्डिंग कर्व से इसको बनाते हैं HSS के अंदर। ड्राइव सरफेस, ये डायमीटर सेलेक्ट कर लेते हैं, डायमीटर, टेपर, नीचे का ये आईडी, ठीक है? ओके, स्टार्ट एज कर्व ऊपर से ले लेंगे, स्टार्ट एज कर्व हो गया, एंड एज कर्व नीचे का हो जाएगा। यहां तक हमने ड्राइव सरफेस लिया है, ठीक है? ये एंड एज कर्व हो गया, ओके। उसके बाद टूल सिलेक्ट, टूल एंड मिल ले सकते हो आप, एंड मिल से बना सकते हो, इंसर्टेड एंड मिल जो है उससे बना सकते हो आप, ये नॉर्मली बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फीड RPM दे दो इसकी, 3000 की फीड, 3000 RPM। लेवल के अंदर ऑटोमेटिक छोड़ दो, टूल पाथ पैरामीटर के अंदर 0.3 का स्टेप ओवर कट
कट टॉलरेंस यहाँ पे पॉइंट ऑन में कर देंगे, सिमुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फुल एक्सेस कंट्रोल के अंदर ऑटो में छोड़ देंगे, सेव और सेव एंड कैलकुलेट कर दो। थोड़ा सा टाइम लेगा ये कैलकुलेट होने में, उसके बाद ये कैलकुलेट हो जाएगा, उसके बाद इसकी सिमुलेशन करेंगे, उसके बाद फिर 2D से ड्रिलिंग करेंगे। बस ये होने वाला है, ठीक है। ये फिनिशिंग का भी हो गया HSS के द्वारा, इसको चलाएंगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। अगला ऑपरेशन हम इसके ड्रिलिंग का ले लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो लाइन दिख रहा है ये अभी जिगजैग में चल रहा है, इसको इधर आके टूल पाथ पैरामीटर के अंदर इसको स्पाइरल करेंगे तो ये लाइन भी नहीं दिखेगी जो स्टेप वर ले रहा है उतरते टाइम में। यहाँ पे आके इसको वन वे करना है, वन वे में थोड़ा सा लाइन दिखेगा, स्पाइरल में बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, तो स्पाइरल में करके इसको चला सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग के लिए यहाँ से 2.5D में आते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन। ज्योमेट्री के अंदर न्यू ज्योमेट्री, ठीक है, नो सेंटर फाउंड कर रहा है इसलिए हम एक एक करके ले लेते हैं। ड्रिलिंग चलाने से पहले सेंटर ड्रिल चलाना है, उसके बाद फिर ड्रिल चलाना है, फिर चैम्फर टूल चला सकते हो कोई सा भी, ठीक है। तीनों का प्रोग्राम सेम ही बनेगा, बस डेप्थ कम ज्यादा करना है। ठीक है, यहां से ओके कीजिए, टूल सेलेक्ट टूल, डायरेक्ट हम ड्रिल ले लेते हैं यहां से, 8.5 का ड्रिल है इसमें, 8.5, ओके। लेवल अपर लेवल जो होगा इसका ये 0 और ड्रिल डेप्थ नीचे तक, यहां तक, ठीक है, ओके। यहां से हम करेंगे फुल डायमीटर ताकि हमारा जो ड्रिल है पूरा थ्रू निकल जाए बाहर, ठीक है। यहाँ पे ड्रिल टाइप में आप GT3 और यहाँ पैक डाटा के अंदर 3M का पैकिंग दे देंगे, ओके, और सेव, सेव एंड कैलकुलेट। ड्रिलिंग का ऑपरेशन भी कंप्लीट, चलाइए इन दोनों को, राइट क्लिक सिमुलेट, सॉरी, सॉलिड वेरीफाई, अब सेकंड साइड ऑपरेशन के लिए ऐसे इसी को सेकंड साइड में ऑपरेशन करना है, इसको क्या करेंगे सेव टू STL करेंगे और सेकंड कोऑर्डिनेट पे STL स्टॉक डिफाइन कर लेंगे। अगर जो स्टॉक दिखाना है तो, नहीं तो आप डायरेक्ट सिलेंडर लेके उधर से भी बना सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी,